टू बैक माई चैनल और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली के लिए कुछ DIY टी कैंडल्स और होल्डर, और उसके अलावा मैं शेयर करने जा रही हूँ कर्टन के लिए टाइप बैग, जो कर्टन हम बांधते हैं उनके लिए मैं कुछ DIY आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट आपको मैं बता देती हूँ जो टी लाइट कैंडल होल्डर मैं बनाने वाली, तो कुछ इस तरीके के बनाने वाली। तो ये मेरे पास पिछले दिवाली पर रखे थे वो छोटे, और इनकी रेट सच बता रहा हूँ तो 20 या 30 रुपीज़ थी। और तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी, कुछ DIY करूंगी। तो यहाँ पे ऐसे मेरे पास छोटे छोटे पोर्ट्स रखे हैं, ये मेरे पास 5 है। तो ये एक पड़ा है मुझे 15 रुपीज़ का, तो मैं इसको कलर करके और देन इसमें वैक्स में डाल दूंगी। वैसे मैं टी लाइट कैंडल इसको बनाऊंगी, देन उसके अलावा एक मैं बनाने वाली हूँ इससे, तो ये भी बहुत सुंदर है। तो आप इस पे देख सकते हो डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी टाइम से ख़रीदा हुआ है लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो इसको भी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ कलर करके, तो ये भी बहुत सुंदर लगने वाला है। और आप देख सकते हो मेरे पास ये टसल्स है, ये है मेरे लहंगे के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको हटा दीजिए क्योंकि ये थोड़े पुराने हो गए थे, लेकिन हालांकि अच्छे लगते हैं ये वैसे भी। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो अपने कर्टन को बांधने के लिए, टाई करने के लिए। अगर आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते तो ऐसा कुछ DIY कर सकते हो। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटे छोटे पोर्ट हैं, इनको मैंने वाइट एक्रेलिक कलर दे दिया है। देन एक पोर्ट मैंने छोड़ दिया है अपने बेटे के लिए क्योंकि उसको भी पेंट करना बहुत पसंद है, इसलिए तो वहाँ पे 4 पोर्ट्स को मैंने कलर कर दिया है वाइट एक्रेलिक, और इसको भी मैंने वाइट किया है। और इसके बाद में मैंने इसको मेटेलिक कलर दिया है। बहुत सारे मेटेलिक कलर्स आते हैं तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गोल्डन रखा था, गोल्डन मैंने किया नहीं, ये थोड़ा कॉपर शायद कॉपर कलर है शायद ये मेटेलिक में, तो आप देख सकते हो ये इसको कर दिया है। देन उसके बाद में यहाँ पे बीच में इसके बने हुए हैं ओम और जो सात्या वगैरह ये आते हैं ये सब बने हुए हैं इसमें। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे जो मटकी है हमारी छोटी वाली, तो यहाँ पे जो पेंट है वो ड्राई हो चुका था। देन फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पेंसिल की मदद से थोड़ा इसको शेप दिया है, ताकि हमारे जब भी कलर करें हम तो थोड़ा अच्छे से कलर हो। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दिया है, मैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मैं इसको कलर कर रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको लाइट कलर्स चाहिए तो वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर करके रख दिया है, ड्राई होने छोड़ दिया। देन सेकंड वाला पुट किया है मैंने रेड कलर, और इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है तो आप भी देख सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे क्रोम येलो कलर आता है वो कलर कर दिया है यहाँ पे, और उसके बाद मैं इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जब भी मैं इन पर थोड़ा सा कुछ और काम करूँ तो बहुत अच्छे से काम हो। अगर हम ड्राई होने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो कलर क्या होता है, मिक्स हो जाता है ऐसे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग दे रही हूँ यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। देन इसको क्या किया है, मैं लेस लगा के देख रही थी कि लेस से ठीक है कि नहीं है ये, अगर आप लेस लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, बट मैंने फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं अभी लेस नहीं लगाऊंगी, कभी और किसी प्रोजेक्ट रेडी करूँगी तब लगाऊंगी। देन यहाँ पे कलर कर दिया है और ये ड्राई हो चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी इनमें डिटेलिंग्स कर रही हूँ मैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे कुछ कलरफुल डॉट्स बनाने चाहिए, तो रेड वाली में मैंने क्या किया, कुछ कलरफुल डॉट्स बना दिए। देन यहाँ पे ग्रीन में स्टोन्स मैंने लगा दिए, तो आप भी इस तरीके से लगाते हो लगा सकते हो, क्योंकि ये मैंने सिर्फ फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो आप भी बना सकते हो ऐसे। बहुत सालों पहले जब हम छोटे थे तब हमारे पास ऐसे मटकियाँ होती थी डिज़ाइन की, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने ये बनाया है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में सब कुछ मैंने इसमें कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर गोल्डन टच दिया है, और यहाँ पे वैक्स मैंने मेल्ट करके फिर इसके अंदर डाल दी है। और उसके बाद में जो हमारे पास कुछ भी धागा वगैरह कुछ है तो आप उसमें लगा सकते हो ऐसे, तो उसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। देन आप देख सकते हो हमारा टी लाइट कैंडल बन के रेडी हो गया है, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप इस तरीके से रख सकते हो, इसको सेपरेट सेपरेट भी रख सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड DIY पे। तो यहाँ पे मैंने बताए थे अपने टसल्स लहंगे के थे ये, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो ब्लाउज़ बनवाते हो तो आपके पास होंगे छोटे, तो आप उनसे भी बना सकते हो, आप लेस लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर हम मार्केट से भी ऐसे ख़रीदने भी जाएंगे तो भी हमें बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, तो हमारे पास क्यों ना कुछ रखा है ऐसे, तो हम उसी से बना सकते हैं। और देन मैंने सेकंड वाला बनाया है पोम से, तो यहाँ पे ये पोम मैंने घर पे ही बनाया है खुद से। और देन इसमें भी मैंने क्या किया है, जो गोटा वाली
फ्लावर आते हैं वो मैंने लगा दिए इसके अंदर और लेस लगा दी है। गोटा वाले फ्लावर मैंने दोनों साइड लगाए हैं, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं ये कर्टन पे लगा दूंगी। और तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो मैं लेके आऊँगी, तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।